चले एक मिनट का, एक शॉट का एक मिनट, एक शॉट बैठो और एक घंटा बैठो आप, 400 लगेंगे। यहाँ से जाएंगे कहाँ? कॉफी हाउस में, कॉफी हाउस। वहाँ भाड़ा कितना देना पड़ेगा? भाड़ा पकड़ के 500 लेकर 400 लेगा। तो 200 सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ वैश्यवृत्ति का भी पूरी दुनिया में चरम उभार हो चुका है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में वैश्यवृत्ति के अलग अलग रूप भी सामने आए हैं। रेड लाइट इलाकों से निकलकर वैश्यवृत्ति अब मसाज पार्लरों एवं एस्कॉर्ट सर्विस के रूप में भी फल फूल रही है। दे धंधा कमाई का चौका जरिया बन चुका है। गरीब और विकासशील देशों जैसे भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश में सेक्स पर्यटन का चलन शुरू हो चुका है, जिसमें फरोशी दुनिया के पुराने धंधों में से एक है। बेबीलोन के मंदिरों में लेकर भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा वैश्यवृत्ति का आदिम रूप है। मुगलों के हरम में सैकड़ों औरतें रहती थी। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो इस धंधे का स्वरूप बदलने लगा। राजाओं ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए तवायफों के तोहफे के रूप में पेश करना शुरू किया। पुराने वक्त के कोठों से निकलकर देह व्यापार का धंधा वेबसाइटों तक पहुँच गया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ी पुलिस के लिए नेटवर्क को भेजना खासा कठिन हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आपको इसको रोकने के लिए कार्य करना चाहिए, न कि इसको फैलाने के लिए।